हेलो फ्रेंड्स, मैं डीके हूं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल के ऊपर में। दोस्तों, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर मैं चर्चा करेंगे जो आपकी मदद करेंगे आपकी ट्रेडिंग की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में। तो दोस्तों, वो आज हम डिस्कस करेंगे उन 5 रूल के बारे में जिन्हें हमें हमेशा ट्रेडिंग में एंट्री और ट्रेड को इनिशिएट करने के पहले हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो दोस्तों, वो 5 इंपॉर्टेंट रूल्स अगर हम उसे इग्नोर करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने ट्रेडिंग परफॉर्मेंस के साथ में कॉम्प्रोमाइज करते हैं। तो दोस्तों, इसको जानने के बाद इस वीडियो के एंड में वो 5 चेकलिस्ट होंगी आपके हाथ में कि आप अपने आप से पूछ पाएंगे कि क्या मैंने ट्रेड को इनिशिएट करने के पहले ये 5 चीजें चेक कर ली हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेहतरीन परिवार का हिस्सा बने जहां लर्निंग एक कंटिन्यूअस एंड नेवर एंडिंग प्रोसेस है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को एनेबल करना नहीं भूलिएगा, नहीं तो उद्देश्य पूरा नहीं होगा क्योंकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन समय पे नहीं मिलेंगे और आप एक इंपॉर्टेंट वीडियो चैनल पे मिस कर जाएंगे। और दोस्तों, अगर आप चैनल के एक्सक्लूसिव मेंबरशिप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो होम पेज पे ज्वाइन बटन पे या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक करके जानकारी पा सकते हैं और अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस इंपॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करते हैं। 5 रूल्स, वो क्या इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि वो 5 मुख्य चीजें क्या है जिसे हमें हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। इट हैज टू बी केप्ट एंड बोर्न इन द माइंड बिफोर वी इनिशिएट अ ट्रेड। तो दोस्तों, ट्रेड को इनिशिएट करने में हमें कभी भी जल्दी नहीं करनी चाहिए। हमें टेक्निकल एनालिसिस के दौरान इन 5 चीजों का जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपकी ट्रेडिंग की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकती हैं, अगर आप ये 5 चीजों को दिमाग में रखते हैं जब ट्रेड को इनिशिएट करते हैं उसके पहले। दोस्तों, तो चलिए वो 5 चीजें क्या है पहले उसे जानते हैं और एक एक करके उसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद दोस्तों हम प्राइस चार्ट के ऊपर में जाएंगे और किस तरह से इन चीजों को हम प्राइस चार्ट के ऊपर में देख कर इम्प्लीमेंट करते हैं अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को, उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो दोस्तों, पहली चीज है कि सबसे पहले हमें समझना यह अत्यंत आवश्यक है कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। तो मार्केट का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट का फेज क्या है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, तो उसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे दोस्तों। नंबर 2 कि वैल्यू एरिया कहां पर है, जिसे हम वैल्यू जोन भी बोलते हैं, वो डिमांड एंड सप्लाई एरिया कहां पर है चार्ट के ऊपर में, या ब्रॉडर दूसरे शब्दों में बोले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया कहां पर है। तो पहला है मार्केट स्ट्रक्चर और उसके बाद जब हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड सप्लाई एंड डिमांड एरिया को कोरिलेट करते हैं तो हमें वो पता रहता है, वो वैल्यू एरिया जहां ट्रेड को इनिशिएट करने से मैक्सिमम रिस्क रिवार्ड रेशियो आपके फेवर में काम करेगा। नंबर 3 दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि आज जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है, जिसे हम CMP बोलते हैं, वो वैल्यू एरिया के रिस्पेक्ट में किस जगह पे पोजीशन है चार्ट के ऊपर में। तो दोस्तों, ये हमें एक गाइडलाइंस देता है कि हम चार्ट के ऊपर में अलर्ट सेट कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस समय पे हमें ट्रेड को इनिशिएट करने की अपॉर्चुनिटी आने की संभावना है दोस्तों, ताकि हम गलत प्राइस पर एंट्री ना करें। बिकॉज दोस्तों, राइट एंट्री टाइमिंग इन द मार्केट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकें और रिस्क को मिनिमाइज कर सकें। दूसरा दोस्तों, 4th नंबर है इंपॉर्टेंट कि एंट्री ट्रिगर,
जब एंट्री ट्रिगर होती है तो हम कौन सी प्रोसेस को अडॉप्ट करते हैं एंट्री को अडॉप्ट करने के लिए। तो एंट्री ट्रिगर के लिए हमें क्या मुख्य बातों का ध्यान देना चाहिए उसकी चर्चा करेंगे। एंड दोस्तों, एग्जिट स्ट्रेटजी, जब हम ट्रेड को इनिशिएट करते हैं तो क्लियर कट वेल डिफाइंड एग्जिट स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि ट्रेड से जब हम बाहर निकलेंगे तो उसकी स्ट्रेटजी क्या होगी। तो एंट्री की स्ट्रेटजी और एग्जिट की स्ट्रेटजी, ये एग्जीक्यूशन का एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है और इसे हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये वेल डिफाइंड होनी चाहिए ट्रेड को इनिशिएट करने के पहले, तब जाके दोस्तों हम एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट की दिशा में आगे बढ़ पाएंगे दोस्तों, क्योंकि हम डील किसको कर रहे हैं ये मान के चलिए दोस्तों, ये हाई रिस्क हाई रिवार्ड प्रोफेशन है जहां पर रिस्क को मैनेज करना बहुत सिग्निफिकेंट है। और इसीलिए एनालिसिस है, एक अच्छे टेक्निकल एनालिसिस एनालिस्ट आप बन जाते हैं तो आपको वो मार्केट में एज देता है जहां आपकी प्रॉफिट की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन कुछ बातें हैं जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं एनालिसिस परफॉर्म करने के बाद और ट्रेड को इनिशिएट करने के पहले, जो एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का एक अहम हिस्सा होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके टॉपिक को लेते हैं और समझते हैं कि मेरा तात्पर्य क्या है इन फाइव इंपॉर्टेंट थिंग्स से। तो दोस्तों, सबसे फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि मार्केट स्ट्रक्चर को समझना, ताकि हमारे ट्रेडिंग के इंस्टेंस बहुत क्लियरली डिफाइंड हो और हम राइट डायरेक्शन में हमेशा ट्रेड को इनिशिएट करने की संभावनाओं को हमेशा तलाशें दोस्तों। होता क्या है दोस्तों, आज अप ट्रेंडिंग मार्केट है, आज हम शॉर्ट लेते हैं, कल फिर लॉन्ग ट्रेड लेते हैं, वहां पर हम गड़बड़ी कर देते हैं दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर ये बात सत्य है दोस्तों, तो ट्रेंड फॉलोइंग मेथड में हमें प्रॉफिट की संभावनाएं अधिक नजर आएंगी और काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग हमेशा रिस्की होती है दोस्तों। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि मार्केट स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमें पता लगाएं कि क्या मार्केट का प्रिवेलिंग ट्रेंड है। दोस्तों, अगर मार्केट अप ट्रेंडिंग है तो इसका तात्पर्य यह है कि हमें यह बार बार एक लॉन्ग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी देगा और उस लॉन्ग ट्रेड को इनिशिएट करने के लिए हमें पेशेंटली इंतजार करना होगा जब वो राइट अपॉर्चुनिटी हमें नजर आएगी, चाहे वो ब्रेकआउट ट्रेडिंग के तहत हो दोस्तों या बाउंस बैक ट्रेडिंग के तहत हो। ट्रेडिंग मेथड कोई भी अडॉप्ट करे दोस्तों, लेकिन हमारा स्टैंस जो है मार्केट में बुलिश होना चाहिए और हमेशा लॉन्ग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी हमें तलाशना चाहिए जहां रिस्क छोटा हो और रिवार्ड का पोटेंशियल अधिक हो। सेकंड दोस्तों, अगर डाउन ट्रेंडिंग मार्केट है दोस्तों प्रिवेलिंग ट्रेंड, तो हमारी दोस्ती डाउन ट्रेंड मूव से होनी चाहिए। इसका मतलब है दोस्तों, हमें हमेशा शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी को ढूंढना पड़ेगा दोस्तों मार्केट में, क्योंकि जब मार्केट मार्कडाउन फेज में होता है तो वो रीडिस्ट्रीब्यूशन फेज होता है। हर पुलबैक एक शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देता है, तो वो एक राइट अपॉर्चुनिटी का हमें पेशेंटली इंतजार करना होगा। जब भी मार्केट में वो पुलबैक की समाप्ति होगी, करेक्शन की समाप्ति होगी या रिट्रेसमेंट की समाप्ति होगी, तो हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं जहां रिस्क छोटा हो और रिवार्ड की पोटेंशियल अधिक हो। एंड दोस्तों, मार्केट का अगर प्रिवेलिंग ट्रेंड है कि मार्केट साइडवेज है या रेंज बाउंड है, तो दोस्तों वो अगर रेंज काफी बड़ा है तो हम रेंज ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर हमें रिस्क रिवार्ड रेशियो कम से कम 1:2 मिलने की संभावना अगर है दोस्तों, तो उस समय पे हमें रेंज ट्रेडिंग पे फोकस करना चाहिए। बाई पे सपोर्ट पे बाई करें, रेजिस्टेंस पे सेल करें, या रेजिस्टेंस पे सेल करें सपोर्ट पे उसे कवर कर लें दोस्तों। तो ये सबसे फर्स्ट एंड फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। और इससे रिलेटेड दोस्तों, इस चैनल में कई ट्यूटोरियल उपलब्ध है हमारे जीरो टू हीरो प्लेलिस्ट के तहत में, जहां पर किस तरह से ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं, मार्केट फेजेस क्या है, सिक्स डॉक्ट्रिन्स ऑफ चार्ल्स एम डाउ क्या है। तो इन सब चीजों का जब आपको नॉलेज होता है तो आप मार्केट को पहचान पाते हैं, उसके स्ट्रक्चर को पहचान पाते हैं और अपने को सही दिशा में पोजीशन कर पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अगले इंपॉर्टेंट थिंग के बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है दोस्तों कि जब एक बार हमने
मार्केट के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर लिया कि मार्केट अप ट्रेंडिंग है, डाउन ट्रेंडिंग है, या फिर दोस्तों मार्केट रेंज बाउंड है, उसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट रोल चालू होता है दोस्तों कि हम मार्केट में वैल्यू जोन्स को आइडेंटिफाई करें। और दोस्तों आपने देखा होगा इस चैनल के ऊपर में जब भी एनालिसिस की जाती है, टेक्निकल एनालिसिस हम परफॉर्म करते हैं, तो हमारा अप्रोच होता है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, जहां हम टॉप डाउन अप्रोच को अडॉप्ट करते हैं और उसके तहत दोस्तों हम इन वैल्यू जोन्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उसमें दोस्तों हम कहां पर डिमांड एंड सप्लाई जोन्स है, या जिसे हम वैल्यू एरिया भी बोलते हैं दोस्तों, तो उसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, ताकि दोस्तों अगर मार्केट के स्ट्रक्चर का हमें पता है तो हमें ये पता रहना चाहिए दोस्तों कि वो कौन सा एरिया है जहां हमें ट्रेड को इनिशिएट करने में सबसे मैक्सिमम एडवांटेज होने की संभावना है, जहां रिस्क बहुत स्मॉल होगा और रिवार्ड का पोटेंशियल अधिक होगा, तभी तो दोस्तों हमें प्रॉपर रिस्क रिवार्ड रेशियो मिलने की संभावना बढ़ेगी। और दोस्तों उस समय पे जब वैल्यू जोन में प्राइस आती है तो मोस्ट लाइकली अगर हम अप ट्रेंडिंग मार्केट में है, मार्कअप फेज में बैठे हैं मार्केट के, तो मोस्ट लाइकली वहां पर बाइंग आने की संभावना है और कोई ना कोई हमें ट्रिगर मिलेगा जो हमें ट्रेड को इनिशिएट करने में मदद करेगा। तो दोस्तों वैल्यू जोन्स को आइडेंटिफाई करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अगर हम ट्रेड को सिंपली मार्केट स्ट्रक्चर को देख के एंट्री करते हैं तो कई बार दोस्तों प्राइस ओवर एक्सटेंडेड हो सकती है और हम वैल्यू एरिया में एंट्री जब नहीं कर रहे हैं तो हमें रिस्क रिवार्ड रेशियो मिलने की, जो फेवरेबल रिस्क रिवार्ड रेशियो होता है, कम से कम 1:2 मिलना। इसका तात्पर्य है दोस्तों अगर मैं 1000 रुपीज का रिस्क ले रहा हूं तो कम से कम 2000 रुपए कमाने की संभावना उसमें होनी चाहिए, अन्यथा दोस्तों ये बैड बिजनेस है कि हम 1000 रुपए का रिस्क ले रहे हैं और 1000 रुपए कमाने के लिए ट्राई कर रहे हैं, या 1000 रुपए का रिस्क ले रहे हैं या 500-700 रुपए कमाने का रिस्क ले रहे हैं, तो दोस्तों कमाने का चांस ले रहे हैं, तो दोस्तों कहीं ना कहीं रिस्क रिवार्ड रेशियो, ईच टाइम आई टेक अ रिस्क ऑफ 1 रुपी आई शुड हैव पोटेंशियलिटी ऑफ दैट ट्रेड टू मेक मी 2 रुपीज और मोर। तो दोस्तों कम से कम 1:2 के रिस्क रिवार्ड रेशियो में काम करना अत्यंत आवश्यक है, और इसके लिए दोस्तों हम डिमांड एंड सप्लाई जोन्स को आइडेंटिफाई करते हैं, जिसे हम वैल्यू एरिया भी बोलते हैं। कई एनालिसिस चैनल पे आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने सबसे पहले इसको दोस्तों ड्रॉ करके एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, चाहे वो स्टॉक की एनालिसिस हो, चाहे इंडेक्स की एनालिसिस हो, या कमोडिटी के एनालिसिस का आप वीडियो देखें इस चैनल पे, और या दोस्तों करेंसी पेयर्स, सब में दोस्तों अप्रोच कॉमन होती है और इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं मूविंग एवरेजेस, ट्रेंड लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं दोस्तों। और इसके ऊपर में भी दोस्तों कई ट्यूटोरियल हमने बनाए हैं इस चैनल पे, जो स्टेप बाय स्टेप वो एजुकेशन हम इस चैनल पे देते रहते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं कि हमने मार्केट स्ट्रक्चर देख लिया, हमने वैल्यू जोन्स को आइडेंटिफाई करके ईयर मार्क कर लिया चार के ऊपर में। अब दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसकी हम डिस्कस करते हैं, जिसको हमें दिमाग में हमेशा रखना है ट्रेड को इनिशिएट करने के पहले। तो दोस्तों जब आपने मार्केट स्ट्रक्चर को देख लिया टेक्निकल एनालिसिस को परफॉर्म करने के दौरान, उसके बाद वैल्यू जोन्स को आइडेंटिफाई कर लिया, या जिसे वैल्यू एरिया भी हम बोलते हैं, उसके बाद दोस्तों एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है कि जो करंटली प्राइस ट्रेड हो रही है, तो आज की डेट में जब आप एनालिसिस कर रहे हैं तो उस समय पे जो प्राइस है दोस्तों वो विथ रिस्पेक्ट टू वैल्यू एरिया कहां पे पोजिशनड है। अब दोस्तों विथ रेस्पेक्ट टू वैल्यू एरिया हमारा फोकस कहां जाना चाहिए, अगर हम अप ट्रेंडिंग मार्केट में हैं तो ऑब्वियसली दोस्तों हमें देखना है कि वैल्यू एरिया से प्राइस विथ रेस्पेक्ट टू कहां पर है। अगर वो ऊपर में है तो नेचुरली दोस्तों वैल्यू एरिया के पास में जब भी करेक्शन होगा, रिट्रेसमेंट होगा, तो आने की संभावना है। और अगर मार्कडाउन फेज में मार्केट है, या रीडिस्ट्रीब्यूशन फेज जिसे बोलते हैं, या ब्रॉडली हम डाउन ट्रेंडिंग मार्केट है दोस्तों, तो अगर पुलबैक हुआ है
तो दोस्तों ऑब्वियसली हमारा वैल्यू एरिया क्या होगा, वो रेजिस्टेंस बैंड होगा, वो सप्लाई बैंड होगा, जहां से प्राइस का रिजेक्शन की संभावना है। तो दोस्तों आज की डेट में प्राइस को जब हम वैल्यू जोन के रिस्पेक्ट में कंपेयर करते हैं, तो हमें प्राइस समझ में आती है कि क्या प्राइस ओवर एक्सटेंडेड तो नहीं है। और अगर ओवर एक्सटेंडेड है दोस्तों, तो उस वक्त पे अगर हम ट्रेड को इनिशिएट करते हैं, तो हमें कभी भी रिस्क रिवार्ड रेशियो प्रॉपर मिलने की संभावना कम हो जाती है दोस्तों, क्योंकि हमने एंट्री को टाइम ठीक से नहीं किया है दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम करंट मार्केट प्राइस को विथ रिस्पेक्ट टू वैल्यू जोन कंपेयर करते हैं, तो हमें समझ में आता है कि प्राइस ओवर एक्सटेंडेड तो नहीं है। और अगर दोस्तों ओवर एक्सटेंडेड है दोस्तों, तो हमें अलर्ट सेट करने का चार्ट के ऊपर में मौका लगता है कि वो पॉसिबल जो वैल्यू जोन हमने ड्रॉ किया है, तो वहां पे कुछ ना कुछ की लेवल्स होंगे जिस पे हम वैल्यू हम अलर्ट सेट कर देते हैं, कर सकते हैं, या तो मूविंग एवरेज पे, या सपोर्ट पे, या रेजिस्टेंस पे, डिपेंडिंग अपॉन कि हम डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में हैं या अप ट्रेंडिंग मार्केट में हैं। तो उस जगह पे या ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ऊपर में अलर्ट सेट कर सकते हैं, ताकि दोस्तों जब भी हमारे चार्ट के ऊपर में वो अलर्ट ट्रिगर करे, तो हमें वो मौका मिले चार्ट को रिविजिट करने का और एनालिसिस को देख के ये समझने का कि वैल्यू जोन में जाने के बाद क्या एंट्री ट्रिगर हुई है, और अगर एंट्री ट्रिगर हुई है तो हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होगी, हम उसे प्रिसाइज तरीके से डिफाइन कर पाए, डिजाइन कर पाए, ताकि हमें एक प्रॉपर रिस्क रिवार्ड रेशियो में मिलने की संभावना हो और हम उस दिशा में बढ़ पाए जहां कंसिस्टेंट प्रॉफिट करने की संभावना बनती है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट को समझते हैं कि वो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें एक एक करके हम इलाबोरेट तरीके से समझ रहे हैं, जिससे आपके ट्रेडिंग की एक्यूरेसी इंप्रूव हो सकती है। तो दोस्तों इन सब जानकारी प्राइस चार्ट के ऊपर में लेने के बाद दोस्तों हमने देख लिया कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, हमने ड्रॉ कर लिया वो उस वैल्यू एरिया को, और उसके बाद दोस्तों हमने करंट मार्केट प्राइस को कंपेयर कर लिया कि विथ रिस्पेक्ट टू वैल्यू जोन वो कहां पर पोजिशन है आज की डेट में। उसके बाद इंपॉर्टेंट ये हो जाता है दोस्तों कि अगर हमने अलर्ट सेट किया है, तो अलर्ट आने के बाद हमें देखना है कि क्या एंट्री ट्रिगर हुई है। अब एंट्री ट्रिगर के लिए हर ट्रेडर एक अलग अलग तरीके से चीजों को इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली यूज एंट्री ट्रिगर जो होती है दोस्तों, वो कोई ना कोई कैंडल स्टिक पैटर्न होता है। अगर हम अप ट्रेंडिंग मार्केट में है दोस्तों और एंट्री ट्रिगर होगी, तो कोई ना कोई बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न बनेगा, और वो बुलिश एनगल्फिंग हो सकता है, बुलिश पियर्सिंग हो सकता है, वन वाइट सोल्जर हो सकता है, हैमर हो सकता है, या जिसे हम बुलिश पिन बार बोलते हैं। दोस्तों ये पैटर्न अलग अलग तरह के, जिसके बारे में हमने ट्यूटोरियल अलग से बनाया है दोस्तों उन पैटर्न्स के ऊपर में, तो कोई एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न अपियर हो रहा है। और अगर हम डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में हैं, तो ऑब्वियसली पॉइंट ऑफ रिजेक्शन पर, वैल्यू एरिया पर हमें एक रिजेक्शन दिखाई देना चाहिए, और वो रिजेक्शन ट्रिगर कैसे होगा दोस्तों, वो ट्रिगर होगा किसी न किसी कैंडलस्टिक पैटर्न से। अगेन वहां पे वन ब्लैक क्रो बन सकता है, शूटिंग स्टार बन सकता है, इवनिंग स्टार बन सकता है, या दोस्तों एंगल्फिंग बन सकता है। तो दोस्तों कुल मिला के अगर देखा जाए, तो कैंडलस्टिक पैटर्न एक बहुत पावरफुल टूल है जो मार्केट की साइकोलॉजी को समझने में हमें मदद करते हैं। अब उन साइकोलॉजी को जब हम कंबाइन करते हैं वैल्यू जोन के साथ में, तो हमारे ट्रेड करने की एक्यूरेसी काफी इंप्रूव हो जाती है। तो दोस्तों जब भी एंट्री ट्रिगर हो दोस्तों, तो हमें देखना है कि कैंडलस्टिक पैटर्न बना है कि नहीं बना है, और ये बना है दोस्तों तो क्या ये वैल्यू एरिया में बना है। अब यहां वैल्यू एरिया का तात्पर्य क्या है कि दोस्तों अगर अप ट्रेंडिंग मार्केट है, तो वैल्यू एरिया डिमांड जोन होगा, और अगर डाउन ट्रेंडिंग मार्केट है दोस्तों, तो ऑब्वियसली दोस्तों पुल बैक के बाद में वैल्यू एरिया क्या होगा, वो सप्लाई एरिया होगा।
अब उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपने ट्रेंड लाइन इस्तेमाल किया है या हॉरिजेंटल लाइंस खींची है प्राइस एक्शन एनालिसिस के अनुसार, या दोस्तों की मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल किया है। ब्रॉडली ये तीन मेथड है जिसकी चर्चा इस चैनल पे कई बार ट्यूटोरियल्स के तहत में की गई है दोस्तों, और वो सारे ट्यूटोरियल्स उपलब्ध है चैनल के ऊपर में। तो दोस्तों ये एंट्री ट्रिगर जब हो जाता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि अब हमें एक अगला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि सब कुछ सही हो गया है, अब हमें ट्रेड को इनिशिएट करने के लिए एक स्ट्रेटजी बनानी है, और स्ट्रेटजी का एक अहम हिस्सा होगा कि हमें एग्जिट ट्रेड, हम एंटर तो कर गए दोस्तों ट्रेड में, लेकिन निकलने की स्ट्रेटजी क्या होगी उसे समझना अत्यंत आवश्यक है, और वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए ट्रेड को इनिशिएट करने के पहले। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है कि हमने सारी कुछ टेक्निकल एनालिसिस को, वो मुख्य बातों को दिमाग में रख के एनालिसिस कर ली दोस्तों। अब आता है दोस्तों कि हमने एंट्री भी डिसाइड कर ली कि हमारी एंट्री की स्ट्रेटजी क्या होगी। आपको याद होगा दोस्तों हमारे चैनल के ऊपर में जो चैनल के सदस्य हैं गोल्ड लेवल एंड उसके ऊपर में, उसमें दोस्तों जो हम चर्चा करते हैं और स्टॉक आइडियाज के तहत जो महीने में दो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड के बारे में हम चर्चा करते हैं, तो उसके तहत दोस्तों एक एक स्टेप्स में आप देखिएगा एंट्री बड़ी प्रिसाइज हम तय करते हैं, स्टॉप लॉस बहुत प्रिसाइज तय करते हैं, और साथ में पोजिशन साइजिंग ताकि रिस्क को मैनेज करने की संभावनाओं को हम ध्यान से दूर नहीं होने देते हैं ताकि दोस्तों कंसिस्टेंट प्रॉफिट करने की संभावना बन सके। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चाहे वो टेक्निकल एनालिसिस हो और ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हो, जब तक प्रिसाइज तरीके से हम उसे सेट नहीं करेंगे तो हम ये मान के चल रहे हैं दोस्तों, आपने रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर का वीडियो जो हमारे जीरो टू हीरो श्रृंखला के तहत है उसे देख लिया है, और एंट्री डिसाइड करते समय आप रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब को फुलफिल करने के लिए आप पोजीशन साइजिंग कर चुके हैं, और उसके बाद में आता है दोस्तों एग्जिट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों एग्जिट स्ट्रेटजी में दो ही समय पे हम ट्रेड से बाहर निकलेंगे, या तो प्रॉफिट में निकलेंगे या दोस्तों हम लॉस में निकलेंगे। तो हमें ये क्लियर डिफाइंड होना चाहिए कि हम रिस्क मैनेजमेंट जो कर रहे हैं कितना परसेंट हम रिस्क ले रहे हैं पर ट्रेड अपने ट्रेडिंग कैपिटल का, ये वेल डिफाइंड होना चाहिए। अब वो स्टॉप लॉस फिगर जो हमें आएगा वो टेक्निकल एनालिसिस के आधार पे आएगा, और उस स्टॉप लॉस पे हम ये निकल जाएंगे क्योंकि ये ट्रेड गलत हो गया है, आई एम प्रूवन टू बी रॉन्ग, तो एक्सेप्ट दैट डिफीट गैलेंटली, एंड दोस्तों टेक प्रॉफिट लेवल वो क्या होगा उसे हमें वेल डिफाइंड रखना है, कि हमें ये शुरू में तय करना है कि हम एक फिक्स्ड प्रॉफिट स्ट्रेटजी पे काम करेंगे, और या फिर दोस्तों हम एक प्राइस पैटर्न जब इमर्ज होगा उस हिसाब से जो टारगेट आएगा उसके हिसाब से निकल रहे हैं, और या दोस्तों हम ट्रेंड को राइड करना चाहते हैं और स्टॉप लॉस को ट्रेल करना चाहते हैं, ये पहले से तय होना अत्यंत आवश्यक है ताकि दोस्तों टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट के समय में वो संभावनाएं हमें देखना है कि हम ट्रेड में एंट्री करते समय कोई इंटरवीनिंग सपोर्ट या रेजिस्टेंस तो नहीं आ रहा है, जिस दिशा में भी ट्रेड आप ले रहे हैं उसके अनुसार जो हमारे इस रिस्क रिवार्ड रेशियो के मिनिमम ऑब्जेक्टिव को जो 1:2 है उसको स्पॉइलर की तरह साबित होगा, तो उस एस्पेक्ट को ध्यान में देखना है। तो चलिए दोस्तों अब हम चार्ट के ऊपर में चलते हैं और इन सब पांच पॉइंट्स को हम चार्ट के ऊपर में एक बार रिवाइज करते हैं और आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में उसे आसानी होगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये पांच पॉइंट्स जो हमने अभी चर्चा की है दोस्तों, तो उनको चार्ट के ऊपर में समझने की कोशिश करते हैं। ये इंफोसिस का प्राइस चार्ट है। तो दोस्तों सबसे पहले हम मार्केट स्ट्रक्चर का अवलोकन करते हैं। हम देख सकते हैं कि प्राइस हायर हाइज एंड हायर लोज का फॉर्मेशन कर रही है, इसका तात्पर्य है कि ये अप ट्रेंडिंग मूव में है, सारे मूविंग एवरेजेस भी उसको इंडिकेट कर रहे हैं। इस पॉइंट पर हम ज्यादा एम्फेसिस इसीलिए नहीं कर रहे हैं दोस्तों, इसके बारे में बहुत डिटेल ट्यूटोरियल चैनल
के ऊपर में उपलब्ध है कि किस तरह से मूविंग एवरेजेस का हम इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से मूविंग एवरेजेस मैजिकल इंडिकेटर की तरह इस्तेमाल होते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है और किस तरह से हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर इस पोर्शन को ध्यान से देखते हैं दोस्तों, तो एक रेंज बाउंड था मार्केट। देखिए इस लेवल पर मैं आपको एक लाइन खींच के एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए प्राइस यहाँ पर जाती थी, रिजेक्शन लेती थी, रिजेक्शन लेती थी और एक और लाइन में खींच रहा हूँ दोस्तों कि यहाँ पर प्राइस दोस्तों जब भी प्राइस इस जगह पे आती थी तो देखिए सपोर्ट लेती थी, सपोर्ट लेती थी। तो दोस्तों ये मार्केट इस जगह पे अप ट्रेंडिंग मार्केट में मार्केट ने अपसाइड मूव के लिए एक पॉज लिया और एक रेंज में ट्रेड हो रहा था दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर एक एक्सपीरियंस ट्रेडर होता तो दोस्तों यहाँ पर बाई कर सकता था क्योंकि मार्केट ने पहले मल्टीपल सपोर्ट दिखाया है, इसके पहले यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ रिजेक्शन भी था और वो यहाँ पर आकर इस जगह पे प्रॉफिट बुक कर सकता था। लेकिन दोस्तों या तो हम इंतजार कर सकते थे इसकी रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट होने का। अब यहाँ देखिए दोस्तों यहाँ ब्रेकआउट हुआ लेकिन वो डिसाइसिव ब्रेकआउट नहीं था। चैनल पे इस बात की भी चर्चा की गई है ब्रेकआउट वर्सेस डिसाइसिव ब्रेकआउट। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर फिर से प्राइस इस डिमांड जोन में आ गई, ये जो डिमांड जोन क्रिएट हुआ फिर प्राइस ने यहाँ पर देखिए इस जगह पे जाके एक डिसाइसिव ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पर एक ट्रेड सेटअप तैयार हुआ। तो हमने दोस्तों यहाँ पे क्या देखा, हमारा एंट्री कैसे ट्रिगर हुआ, एक वन वाइट सोल्जर का फॉर्मेशन हुआ और हम यहाँ पर एक एंट्री इंडिकेट कर सकते थे जिसकी चर्चा की गई है दोस्तों। हम इस वन वाइट सोल्जर के हाई के ऊपर में एंटर करते दोस्तों। ये देखिए हमारा नेक्स्ट डे ही एंट्री ट्रिगर हो गई 573 पर और हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा दोस्तों, हमारा स्टॉप लॉस प्रीवियस स्विंग लो हो सकता है दोस्तों, ये है। और या ब्रेकआउट ट्रेडिंग के हिसाब से देखें दोस्तों ये रेजिस्टेंस एरिया है, इससे 180 हमारा स्टॉप लॉस यहाँ होगा। तो हम इतना रिस्क ले रहे हैं पर शेयर का और दोस्तों हमारा एग्जिट क्या होगा, एग्जिट के लिए हम कई मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं दोस्तों। या तो अगर हम फिक्स स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं तो जो हम ये रिस्क ले रहे हैं इससे 2 times प्रॉफिट नहीं मिल जाए तो दोस्तों हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। अगर हमने स्टॉप लॉस को ट्रेल करने की स्ट्रेटजी बनाई है दोस्तों और हम ट्रेंड को राइड कर रहे हैं तो हम एक ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं। आप देखिए दोस्तों ये ट्रेंड लाइन हमने खींच दी तो अल्टीमेटली ये ट्रेंड लाइन दोस्तों यहाँ पर ब्रेक डाउन हुआ तो हम इस जगह पे निकलते दोस्तों। तो हमने एंट्री की 500 573 पे और हमारा स्टॉप लॉस जो ट्रिगर हो गया दोस्तों 573 पे ट्रिगर हो गया। वैसे दोस्तों स्टॉप लॉस ट्रेल करने के लिए यहाँ पे कई अपॉर्चुनिटी है। ये ट्रेंड लाइन लॉन्ग टर्म खींची गई थी दोस्तों, अब यहाँ पर आप देखिए तो एक बहुत टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स स्टॉक ने फॉर्म किया है। ये देखिए प्राइस इस ट्रेंड लाइन को एब्सोल्युटली फॉलो कर रही थी। मैं इसको और एक्सटेंड करता हूँ तो ये ट्रेंड लाइन आप देखिए दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन थी जहाँ पर प्राइस जब भी रिट्रेस करती थी तो वैल्यू एरिया क्या था दोस्तों, EMA 21 था और EMA 21 पे आने के बाद आप देखिए मैं इस पोर्शन को एनलार्ज कर देता हूँ क्या बेहतरीन ट्रेड सेटअप इसमें मिला था। आप यहाँ देखिए प्राइस जब भी रिट्रेस होती है EMA 21 पे सपोर्ट लेके एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बनाती है और एक छोटा सा रिस्क होता है और फिर दोस्तों रिट्रेस करती है EMA 21 फिर रिवर्सल EMA 21 फिर रिवर्सल और ये ट्रेंड लाइन दोस्तों देखिए सपोर्ट 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 सपोर्ट। तो यहाँ पर जाके अगर हम ट्रेंड को राइड कर रहे थे इस जगह पे हमने अगर एंट्री की है ब्रेकआउट के बाद में और ये दोस्तों देखिए ट्रेड काफ़ी ये इनिशियल स्टॉप लॉस था, इसके बाद फिर करेक्शन हुआ यहाँ सपोर्ट आया आगे तो EMA 21 भी हमारा एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो सकता था कि जब भी प्राइस EMA 21 को ब्रेक डाउन करके नीचे क्लोज करेगी हम स्ट्रेट से निकल सकते थे। तात्पर्य यही है कहने का दोस्तों कि सबसे पहले हम इसको चार्ट में ऑब्जर्व करके हमारा वैल्यू जोन यहाँ पे आ रहा है दोस्तों। आप देखिए अगर हम प्राइस में इस जगह पे हैं और एनालिसिस कर रहे हैं तो इस जगह पे प्राइस ओवर एक्सटेंडेड है आप देखिए और प्राइस ओवर एक्सटेंडेड हम इंतजार करना होगा
तो हम अलर्ट कैसे सेट करेंगे दोस्तों? अगर इस जगह पे है तो हम यहाँ पर अलर्ट सेट करेंगे और वो अलर्ट होगा दोस्तों। आप देखिए पिछले बार ये रिजेक्शन था पॉइंट और ये ईएमए 21 है, तो हमारा अलर्ट हो सकता है इस हॉरिजेंटल लाइन पे जब प्राइस आएगी, और ईएमए 21 पे भी अलर्ट हो सकता है, तो उस समय पे हमें अलर्ट मिलना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे क्या कोई ट्रिगर हुआ। तो दोस्तों जैसे ही ट्रिगर हुआ, यहाँ पे देखिए लोअर लो बनाने की प्रक्रिया समाप्त हुई और फिर यहाँ पर एक वन वाइट सोल्जर का फॉर्मेशन हुआ और इसके ऊपर में हम एंट्री, तो यहाँ पर हम एंटर कर सकते थे। स्टॉप लॉस छोटा हो सकता था। तो दोस्तों पर्पस है कि एंट्री एंड एग्जिट के लिए वैल्यू जोन को पता लगाना बहुत आवश्यक है। अगर इस जगह पे हम प्राइस की एनालिसिस कर रहे हैं तो प्राइस ओवर एक्सटेंडेड है और हमने ये हॉरिजेंटल लाइन खींच के रखी है जो हमारी वैल्यू एरिया को इंडिकेट करती है। वैल्यू एरिया के लिए हम एक और लाइन खींच सकते हैं। आप देखिए प्राइस इस जोन में आने के बाद बाइंग आती हुई नजर आती है। तो इस तरह से दोस्तों हमें ये पांच पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट दिमाग में रखना है कि जिसमें हम मार्केट स्ट्रक्चर को देखते हैं, उसके बाद वैल्यू जोन को आइडेंटिफाई करते हैं, और वैल्यू जोन को आइडेंटिफाई करने के बाद दोस्तों हम एंट्री ट्रिगर होती है कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना, क्योंकि हम अपट्रेंडिंग मार्केट की चर्चा कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनना चाहिए। जैसे यहाँ पर बना, इस जगह पे बना दोस्तों, इस जगह पे आप देखिए वन वाइट सोल्जर बना। तो ये मल्टीपल अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर हम एंट्री ट्रिगर के बाद में एग्जिट स्ट्रैटेजी रखते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा और टेक प्रॉफिट लेवल क्या होगा। तो दोस्तों अगर आपको आज का ये प्रेजेंटेशन पसंद आया है तो दोस्तों इसे ढेर सारे लाइक्स दीजिएगा, हमें मोटिवेशन मिलता है। एंड दोस्तों अपने फ्रेंड सर्कल में, जानकार लोगों के बीच में, ट्रेडर कम्युनिटी के बीच में इसे शेयर करना ना भूलें, ताकि दोस्तों वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके आपके और हमारे परिवार का एक हिस्सा बन सकें और दूसरे लोगों को भी इन ट्यूटोरियल्स का लाभ पहुंच सके। एंड दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को इनेबल करें नोटिफिकेशन के लिए, ताकि दोस्तों आप हमेशा अपडेटेड रहें। और चैनल की मेंबरशिप को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक करके उससे आप जानकारी पा सकते हैं, या चैनल पेज में जाके होम पेज में ज्वाइन बटन पे क्लिक करके आप जानकारी पा सकते हैं और अपने सहूलियत के अनुसार प्रोग्राम को चूज कर सकते हैं, जहां हम एडिशनल बेनिफिट्स और एडिशनल पर्क्स के बारे में चर्चा करते हैं और जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे दोस्तों।